बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेक्चर नंबर हमारा 63 है और हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट इसका है जी 27 की एक्स की पावर -1 और -2/3। इसके जो 4 जो पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी, जिसमें से आपने एक पार्ट को करेक्ट करना है, जो चॉइसेस दी हुई हैं वो है रेडिकल फॉर्म में। तो बेसिकली आपने इसको पहले रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद देखना है कि आपके पास क्या जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में जाने के लिए 27 की हम फैक्टराइजेशन की, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स में कहीं भी 27 नहीं लिखा हुआ, तो 27 की जब फैक्टराइजेशन आप करते हैं तो वो आ जाती है जी 3 की पावर 3। देखें 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो देखें क्या आ गई 27 की 3 की पावर 3 और x की पावर -1 और ऊपर पावर है -2/3 होल की पावर। आपको पता है हम पिछले चैप्टर में सारे में पढ़ आए हैं कि जो ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वो हर एलिमेंट की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, हर जो भी अंदर है एलिमेंट। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 और x की पावर -1 मल्टीप्लाई -2/3। अब देखें 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या रह गया जस्ट 3 की पावर -2 और -(+1)(2)/3। अब हमने क्या किया, 3 की पावर -2 थी वो जो है वो जब हम इसको डिवीजन में लेकर आएंगे तो पावर -2 की बजाय क्या बन जाएगी 3 की पावर 2। और x को हम जब रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो पावर का डिवाइज़र होता है 3, इसको उठा के कहाँ लिख देंगे, इंडेक्स में। तो x स्क्वायर वैसे रहेगा, ये 2 पावर इसके ऊपर आ जाएगी और जो आपके पास डिनोमिनेटर है 3 वो कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स पे। तो लिहाजा ये आपके पास आंसर आया। अब 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 9। तो ये जो आंसर बनेगा x स्क्वायर विद रेडिकल विद इंडेक्स 3/9, तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर आया। और कौन सा पार्ट आपके पास दिया हुआ है जी, ए पार्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड की जानिब। पार्ट नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि एक्स राइट एक्स विद रेडिकल विद इंडेक्स 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास इंडेक्स होता है इसको यहाँ से उठाएंगे, रेडिकल फॉर्म ख़त्म करेंगे और x की जो पावर होती है 1 इसके डिवाइज़र में लिख देंगे 7। तो जस्ट यही आपका आंसर है और ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट। उसके बाद है जी 3 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। कहते हैं अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें इसको तो वो किस तरह से लिखोगा, तो देखिए इधर हमारे पास 4 की पावर, देखेंगे पावर के अंदर जो डिवाइज़र होगा ये 3, इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, इंडेक्स की जगह पर। तो क्या बन जाएगा जी 4 की पावर 2 और इंडेक्स क्या बन जाएगा 3। अब 4 की पावर 2 किसके इक्वल होती है हमारे पास 16 के, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो आंसर दिया हुआ वो यही दिया हुआ है। तो आपके पास जो ये आंसर है वो बना है ए पार्ट करेक्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानब। कहते हैं इन द दिस द रेडिकल रेडिकेंड इज, इसमें रेडिकेंड क्या होता है, तो बेसिकली हमने जब पढ़ा था कि ये वाला जो होता है रेडिकल साइन इसे बोलते हैं, अंदर जो होती है वैल्यू उसे रेडिकेंड कहते हैं और इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो इसमें रेडिकेंड क्या है हमारे पास 35 और किस पार्ट पे दिया हुआ जी अल्फा चार्ली, सी पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद है जी 25/16 की होल पावर -1/2 और कहते हैं इसे आप क्या करें, सिंपलीफाई करके आंसर बताएं। देखें जी 25 की पहले फैक्टराइजेशन की 5 की पावर 2, फिर 16 की फैक्टराइजेशन की 4 की पावर 2 और बाहर क्या है -1/2। आपको पता है कि जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो अंदर जो जितनी पावर्स होती हैं उनसे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 और 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर -1 और 4 की पावर -1। अब हमें इसकी पावर्स को हमने पॉजिटिव बनाना है, उसके बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर -1 को जब हम डिवाइज़र में लेकर आएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज होगा, पावर का -1 चेंज होकर 1 बन जाएगा, 1 चाहे लिखें हम चाहे ना लिखें। तो 4 की पावर -1 ऊपर जाके 1 बन गया, तो जस्ट हमारे पास क्या आंसर आ गया 4/5, जो कि आपके पास बी पार्ट इसका करेक्ट है।
उसके बाद है जी सिक्स्थ, द कॉन्जुगेट ऑफ 5+4 योटा इज, इसका जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, जस्ट इमेजिनरी के साथ वाला साइन चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5-4 योटा। और ये वाला आपके पास है जी सी पार्ट करेक्ट है इसका। इसके बाद हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। 7 में वो कह रहे हैं एटा की पावर 9, इसको जो है वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चूँकि पहले भी थोड़ा सा लेक्चर ये रिकॉर्ड किया था, फिर ये बीच में केस लिए पहले का लिखा हुआ, तो एटा की पावर 9 को हमें पता है कि ऑड था, तो पहले जस्ट इसको हम इवन में चेंज करेंगे। वो किस तरह से, एक एटा अलहदा कर देंगे और एक उससे पीछे वाला नंबर 8 लगा देंगे। अब देखें एटा तो वैसे रहेगा, अब एटा 8 को हम लिखेंगे एटा की पावर 2 की पावर 4, ठीक है। अब एटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 4, और -1 की पावर 4 इवन है तो लिहाजा आंसर 1 आएगा, और जब 1 एटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास, एटा। और एटा जो है वो लिखा हुआ है सी पार्ट पे, तो लिहाजा इसका सी पार्ट करेक्ट है। उसके बाद है जी कहते हैं एवरी रियल नंबर इज, एवरी रियल नंबर क्या होता है, फिर आगे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होता, रियल के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लिहाजा ए पार्ट करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। बी है क्या रैशनल नंबर, कि हर रियल नंबर रैशनल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि रियल जो हमारे पास होते हैं उसके अंदर रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हर रियल नंबर रैशनली होता है तो ये गलत है, क्योंकि हो सकता है वो रियल इरैशनल हो, ठीक है, तो लिहाजा इरैशनल नंबर नहीं हो सकता। फिर वो कहता है कि नेगेटिव इंटीजर, क्या हर रियल नंबर नेगेटिव इंटीजर होता है, नहीं पॉजिटिव के भी होते हैं। फिर लास्ट में दिया हुआ है डी पार्ट कि कम्प्लेक्स नंबर, तो बिल्कुल जी डी पार्ट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा है ना कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा है, ठीक है। ये आर का सेट है और ये किसका है, सी का, कम्प्लेक्स नंबर्स का, तो लिहाजा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल्स भी होते हैं और इमेजिनरी भी होते हैं, तो लिहाजा कम्प्लेक्स नंबर बड़ा सेट है जिसके अंदर रियल पूरे का पूरा सेट भी होता है, लिहाजा एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर, तो डी पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 9, उसमें वो कह रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ 2ab एटा प्लस एटा स्क्वायर क्या है इसका जी। तो रियल पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 2ab एटा वैसे रहा, इस एटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर लिया हमने, -1, जब -1 पुट किया तो ±-1, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2ab एटा -2ab, तो देखें जी एटा के साथ वाला साइन इमेजिन जो होता है नंबर इमेजिनरी होता है और ये वाला होता है आपके पास रियल, तो अब उसने चूँकि रियल ऑफ जी पूछा तो आपके पास आंसर आएगा -2ab, ठीक है जी, तो -2ab, तो ये कौन सा पार्ट है जी आपके पास, बी पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 10 की जानब, इसमें वो पूछ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इसका बताएं जी, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एटा को पहले 3 एटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 एटा स्क्वायर, माइनस एटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ±-2 एटा, इस एटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे, -2 एटा, -3 एटा हो गया। तो अब इसमें देखें एटा के साथ वाला ये जो है ये इमेजिनरी है और ये जो प्लस के 3 हैं ये रियल हैं, तो चूंकि इसने इमेजिनरी पूछा है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -2, तो लिहाजा इसका कौन सा पार्ट करेक्ट है जी, ए पार्ट करेक्ट है, ए पार्ट पे ये पड़ा हुआ है 2 -2, तो लिहाजा इसका क्या आंसर आना है, -2। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लियर प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर उस सेट के अंदर से जो एलिमेंट हैं उसको लें, उनको ऐड करें जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जो जवाब आए जो आंसर है वो भी उस सेट के अंदर ही हो। तो देखिए उसने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी हमने उसके एलिमेंट्स को ऐड करके देखना है, जो आंसर है वो भी उस सेट के अंदर ही हो। तो देखें ए पार्ट आपके पास दिया हुआ है जी 0, बी पार्ट दिया हुआ है 0-1, और सी पार्ट दिया हुआ है 0-1,
और डी पार्ट आपके पास दिया हुआ है 1, 2 अंडर रूट और 1/2। ठीक, अब क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है कि हम उस एक सेट हो उसके अंदर से कोई से भी एलिमेंट लें, उनको ऐड करें, जो आंसर है वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि ये सेट जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चलें जी पहले इसको देख लेते हैं, इसमें से ज़ीरो लिया, एक और एलिमेंट खुद भी दो एलिमेंट ले सकते हैं वो भी ज़ीरो ले लिया, तो 0 + 0 = 0 आंसर भी उसके अंदर ही रहा, तो ये क्लोज है। अभी ये बाकी क्लोज क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं। देखिए -1 लिया, इसमें ऐड कर दें -1 तो आंसर कितना आ जाएगा -2, तो -2 तो है नहीं इधर। अब इधर से 1 + 1 कर लें, इसके एलिमेंट्स लें उनको आपस में भी ऐड कर सकते हैं, 1 + 1 = 2 तो आपके पास 2 तो है नहीं इसके अंदर, तो लिहाजा ये भी क्लोज नहीं है, ये भी नहीं है। इधर से देखें 1 + 1 ही कर लें तो 2 है ही नहीं, 2 अंडर रूट है और 1/2 है, तो लिहाजा आपका इसका ए पार्ट करेक्ट है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 12, इसमें है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन, किसमें यूज़ हुई है जी इसमें, 5√2 × 1 = −5√2। तो देखें इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और उसकी शनाख्त वैसे की वैसे ही रही, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि इसका सी पार्ट करेक्ट है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई। ठीक है, देखें 1 मल्टीप्लाई भी हुआ फिर भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आइडेंटिटी उसकी वैसे की वैसे रही, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी का नेम है वो इस्तेमाल हुई है। उसके बाद है जी 13 में वो पूछ रहा है कि इफ़ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर और जी लेस देन 0 देन एक्स लेस देन वाई, दिस इम्प्लाइज दैट, कहता है कि अगर हमारे पास जी लेस देन 0 हो और फिर उसने बताया नेक्स्ट जो आंसर जो चॉइसेस दी हुई हैं वो दी हुई हैं एक्स जी लेस देन वाई जी और बी पे दी हुई है जी एक्स जी ग्रेटर देन वाई जी और सी पे दी हुई है एक्स जी इज इक्वल टू वाई जी और डी पे दी हुई है नन। अब देखिए जी, अब चूंकि हमने पढ़ रखा था, जब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई थी आपको, आप देख भी सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में से, कि जब हमारे पास नंबर लेस देन 0 होता है यानी नेगेटिव का नंबर होता है, उससे हम मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो क्या होता है हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो लिहाजा देखें एक्स जी जब मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन वही लेस देन नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो के क्या बन जाएगा ग्रेटर देन, तो हमारा ये वाला आंसर ठीक है। अब ये वाला आंसर क्यों नहीं ठीक, क्योंकि देखें आपके पास 2 नंबर्स हैं, 2 < 3 है, पहले ही वो लेस हैं तो बाद में मल्टीप्लाई करने से इक्वल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखें 2 < 3, अब -2 से आप मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा −4 > −6। ठीक है, तो −4 > −6 होते हैं, पता है ना कि इधर -4 है इस जगह पे −6 है, तो -4 जो है वो बड़ा है −6 से, क्योंकि इस तरफ को क्या होते जाते हैं आपके पास नंबर छोटे होते जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं जनाब इससे सेकंड लास्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, तो इसका क्या आंसर ठीक हुआ जी, बी पार्ट इसका करेक्ट हुआ। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 14, इसमें वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर हो देन वन एंड ओनली, फिर ये वाली लिखी हुई है जो कि बड़ी फेमस है, ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ए जो है वो ए पार्ट करेक्ट है, बाकी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी का नेम खास है ट्राइकोटोमी, तो इसलिए इसको जो है वो ए पार्ट इसका करेक्ट है, ए पार्ट पे लिखा हुआ है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स, कहते हैं कि ऐसे डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो यानी रुकते भी नहीं हैं चलते जाते हैं, ठीक है, यानी इस तरह से 2.57913 चलते जा रहे हैं, एक तो है कि नॉन टर्मिनेटिंग रुक नहीं रहे, ठीक, और नॉन रिक्योरिंग इसमें कोई चीज़ें बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, तो ऐसे डेसिमल को किसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे डेसिमल जो होते हैं वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये रुक जाता तो हमने इसका इशारा जो है वो डेसिमल उड़ा के नीचे जीरो लगा के बटा बना लेना था, फ्रैक्शन में आना था तो रैशनल बन जाना था, और यहाँ फिर अगर रिक्योरिंग होते बार बार तो उसका भी हम 2.12 में 1 में पढ़ चुके हैं कि उनको हमने किस तरह से रिक्योर किया था और उसको जो है हमने फ्रैक्शन में लिखा था, तो लिहाजा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को, जो कि आपके पास सी पार्ट इसका करेक्ट है।
तो इस तरह से जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ रिव्यू एक्सरसाइज 2 का. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम. दुआ में याद रखिएगा.